इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंक पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, कोरोना समेत कई मुद्दों पर बोलेंगे मोदी। भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी उठा सकते हैं पीएम। गरीबी से लड़ने वाली संस्था ग्लोबल सिटीजन की ग्लोबल सिटीजन लाइव को वर्चुअली संबोधित करेंगे मोदी। 120 देशों में होगा भाषण का प्रसारण। न्यूयॉर्क में होटल के बाहर लोगों से मिले मोदी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। भारत ने यूएन में कहा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में शामिल हिस्सा भी भारत का हिस्सा। भारत ने कहा भारत की जमीन पर अवैध कब्जे को फौरन खाली करे पाकिस्तान। यूएन में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवादियों का कितनी बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक होने की बात उठाई। भारत ने कहा आतंकियों को बना देना, मदद करना और समर्थन करना पाकिस्तान के इतिहास और नीतियों में शुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। इमरान खान आतंकवाद से पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। स्नेहा दुबे ने कहा पाकिस्तान ने खुले तौर पर आतंकवाद को नीति के रूप में समर्थन दिया। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देता है। भारत ने कहा पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के घोषित सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद। जो देश लादेन को शहीद बता रहा है वो खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। यूएन में इमरान खान के झूठ पर भारत का जवाब। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे थे, हैं और रहेंगे। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद को माना एक महत्वपूर्ण मुद्दा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। 24 मिनट के भाषण में 6 मिनट तक दी भारत को धमकी, 10 मिनट तक की तालिबान की वकालत। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिकॉर्डेड भाषण में इमरान खान ने दी भारत को धमकी। कहा बातचीत का माहौल नहीं बनाया तो फिर युद्ध होगा। इमरान खान ने की तालिबान को मान्यता देने की जोरदार वकालत। मान्यता न देने पर अंजाम भुगतने की भी दी गीदड़ भभकी। इमरान ने इस्लामोफोबिया का रोना भी रोया। कहा दुनिया इसे रोकने के लिए सम्मेलन बुलाए। क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में चली करीब 90 मिनट की मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। दोनों के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कल शाम 4:30 बजे होगा पंजाब में चन्नी कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज गवर्नर से की मुलाकात। चरणजीत चन्नी की कैबिनेट को राहुल गांधी ने दी हरी झंडी। सूत्रों के मुताबिक राहुल और चन्नी की देर रात तक चली बैठक। ब्रह्म महिंद्रा, राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल के नाम फाइनल। नए मंत्रिमंडल में सिद्धू समर्थक विधायकों को तरजीह। प्रगट सिंह, कुलजीत सिंह, नागरा, त्रिपत, राजेंद्र बाजवा को भी मिलेगा मौका। अरुणा चौधरी, रजिया सुल्तान, राजकुमार वेरका के भी नाम शामिल। चन्नी मंत्रिमंडल से अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्रियों की छुट्टी। बलबीर सिद्धू राणा, गुरमीत सोढी, गुरप्रीत सिंह कांगड़ की छुट्टी। साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा भी हटाए जाएंगे। आईपीएस इकबाल प्रीत सिंह सहोटा को मिला पंजाब के डीजीपी का एडिशनल चार्ज। वर्तमान डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी के दौरान संभालेंगे कार्यभार। आजादी का अमृत महोत्सव मुहिम पर राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज। पूछा कैसा अमृत महोत्सव, अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आजादी देश में फैलाया जा रहा है नफरत का जहर। महाराष्ट्र के ठाणे में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा मोदी बैशिंग ब्रिगेड अपनी ही चालबाजी के चक्रव्यूह में हो रहा है चकनाचूर। तनय कुमार और जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। फूल और माला पहनाकर किया गया अमित शाह को सम्मानित। सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह। कहा सहकारिता से गरीब पिछड़ों का विकास हुआ, सहकारिता अभियान रुकना नहीं चाहिए। अमित शाह ने कहा सरकार से सहकार से समृद्धि हमारा नया मंत्र, सहकारिता से ही जन कल्याण संभव। भारत के संस्कारों में सहकारिता। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सरकार की प्राथमिकता बताया। अखिलेश यादव ने ओबीसी की गणना को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना। ट्वीट कर कहा ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती बीजेपी। AIMIM के अध्यक्ष और सदुद्दीन ओवैसी का प्रयागराज दौरा। इस्लामिया कॉलेज में ओवैसी की जनसभा। चार मजारों पर जियारत भी करेंगे। ओवैसी की जनसभा में बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी भी होंगी शामिल। जेल में बंद अतीक अहमद का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को भेजा नोटिस। मंगलवार को पेश होने का दिया आदेश। गैंगस्टर गोगी की हत्या की जेल से साजिश रचने वाले सुनील ताजपुरिया को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। गोगी हत्याकांड मामले में रिमांड पर लेगी क्राइम ब्रांच। रोहिणी कोर्ट में शूट आउट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। कल कोर्ट रूम में हुई गैंग वॉर में गैंगस्टर गोगी और दो हमलावर हुए थे ढेर। रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका। तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल समेत दिल्ली की सभी जेलों को अलर्ट पर रखा गया। दिल्ली में अलीपुर में होगा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का अंतिम संस्कार। शमशान घाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस बल तैनात। मंडोली जेल में बंद संपत नेहरा को भी देर रात राजस्थान जेल भेजा गया। 15 नंबर जेल में बंद था संपत नेहरा। हाई अलर्ट के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से देर रात राजस्थान की जेल में किया गया शिफ्ट।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले बार काउंसिल के चेयरमैन, कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर की बात। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट शूट आउट कांड का विरोध, सभी जिला अदालतों में आज हड़ताल। 30,000 कड़कड़ डुमा साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट भी इसमें शामिल। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, जिनके पास रहने की जगह नहीं जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने गरीब कल्याण मेले का किया उद्घाटन। यूपी के सभी 826 विकास खंडों पर मेले का हुआ आयोजन। करगिल में नए दूरदर्शन केंद्र का खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लद्दाख के करगिल में पारंपरिक स्वागत। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कहा उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जनसंघ में उनके योगदान को किया याद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया नमन, भुवनेश्वर में पार्टी मुख्यालय में दी श्रद्धांजलि। आईपीएल में आज दो मुकाबले, पहले मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, 65 रन पर दिल्ली के 2 विकेट्स गिरे। और आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।